अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आप सबका QNS 24x7 में, जो हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं, कुछ अच्छा लेके आते हैं। और QNS 24x7 पे मैं आपकी होस्ट, आपकी एंकर मिसबा आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। और वादिय कश्मीर जन्नत बेनजीर की खूबसूरत परी आज मेरे साथ है, जो कोई स्टार नहीं है लेकिन सबके दिलों पे छाई हुई है, सबके जहन पे छाई हुई है। तो जन्नत जिसको आप सब लोग जानते हो, वादिय कश्मीर की जन्नत, की जन्नत बेनजीर की जन्नत हमारे साथ है। हेलो जन्नत, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो सामीन आपको बता दूं जन्नत के बारे में, आप सबको पता होगा कि जन्नत जो है छोटी है, 6 साल की बच्ची है, लेकिन फिर भी इनका जहन जो है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप है। वो हमारे इस डल लैग के बारे में हमेशा बात करती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा डल लैग जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया है, हम लोगों ने काफी ज्यादा पोल्यूट कर दिया है। तो जन्नत से जानेंगे डल लैग के बारे में, उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है। जन्नत आप बता दीजिए डल लैग के बारे में, आपको क्या लगता है कि लोगों ने कितना खराब किया है इसको? लोगों ने इसको बहुत खराब किया है, कूड़ा डालते हैं इसमें। तो आपको कैसा लगता है जब लोग कूड़ा डालते हैं? मुझे बहुत गंदा लगता है। तो आप क्या करते हो ये कूड़ा वगैरह साफ करने के लिए? मैं नेट उठाती हूँ, साफ करती हूँ। ओके, तो इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी कम सिन कम उम्र, मासूम सी बच्ची, मुझे तो नहीं लगता कि जब मैं इसके जितनी थी मुझे शायद ABCD भी आती होगी, लेकिन आप सोचिए 6 साल की बच्ची जो बस सिर्फ मतलब 6 साल आ गए हो गए इसको दुनिया में आए हुए, फिर भी इसका जहन इतना डेवलप है कि इनके जहन में ये बात आ चुकी है कि हमने डल लैग को काफी ज्यादा खराब किया है। तो हमारे लिए भी इस बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग जो खराब करते रहते हैं, हम शायद नहीं सोचते इस बारे में, तब शायद हमारे जहन में ये बात नहीं आती, लेकिन जन्नत जो इतनी छोटी सी बच्ची है उसके जहन में ये बात आ गई है कि हमारे कश्मीर की शान डल लैग जो है वो पूरी तरह से खराब हो गया। तो जन्नत क्या बोलोगे आप लोगों से जो खराब करते हैं डल लैग को? मैं उनको बोलूंगी कि इस डल को गंदा मत करो, इसको साफ रखो। और जो भी सड़क पे कूड़ा डालते हैं उनको मैं कहूंगी जो भी खाए सड़क पे वो अपने जेब में रख के डस्टबिन में डाले। बिल्कुल सही बात। और जन्नत आपके बारे में हमने सुना है कि मोदी जी ने आपके लिए ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट के बारे में क्या बोलोगे आप? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन्होंने मुझे ट्वीट किया। और क्या बोला था उन्होंने ट्वीट में, आपको पता है उन्होंने क्या बोला था? नहीं। तो उन्होंने आपको थैंक यू किया था इस चीज के लिए जो आप ये सफाई वगैरह कर रही हो। तो आपको मोदी जी से भी मिलना है, मैंने सुना है आपकी ख्वाहिश है कि आप मोदी जी से मिलना चाहते हो, राइट? हाँ। क्यों मिलना चाहते हो आप मोदी जी से? क्योंकि उन्होंने मुझे ट्वीट किया है, मैं उनको देखना चाहती हूँ। मैं कई बार उनको टीवी पे देखती हूँ, मैं उनको हैंडशेक करना चाहती हूँ। ओके, जब वो आपके सामने आएंगे आपसे हैंडशेक करेंगे, तो आप मुझे बोलो आप सबसे पहले मोदी जी को क्या बोलोगे? मैं बोलूंगी थैंक यू आपने मुझे ट्वीट किया, और मैं उनको गिफ्ट दूंगी फ्लावर और रिपोर्ट। अच्छा, और आप डल लैग के बारे में कुछ पूछोगे उनसे, उनको बोलोगे डल लैग की सफाई होनी चाहिए, इस बारे में बात करोगे उनसे? हाँ। क्या बोलोगे, क्या पूछोगे, क्या बोलोगे? मैं उनको बोलूंगी इस शहर के सारे लोगों को बोलो कि इस डल को गंदा मत रखो, इसको साफ करो। सामीन आप देख सकते हैं इतनी छोटी बच्ची और जहन इसका जो है इतना डेवलप्ड है, इसकी मेंटालिटी की अगर बात करें वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है कि शायद हम लोग भी नहीं सोच पाते इस चीज़ के बारे में, हम लोग के जहन पे ये बात जो है स्ट्राइक नहीं करती, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची जो इस बारे में सोच रही है, पूरे डल लैग के बारे में सोच रही है, तो आपका भी सोचना तो बनता है। और बताइए आप अपने बारे में, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है डल को साफ रखना। मैं इसको गोल्डन डल लेक बनाना चाहती हूँ। ओके, और क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। ओके, अच्छा, अगर मैंने आपके लिए ट्वीट कर दिया तो क्या आप मुझसे भी मिलने आ जाओगे? हाँ। सच में? तो मैं कर दूंगी आपके लिए ट्वीट, और भी जानेंगे जन्नत से बाकी चीजों के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में, इनके किन किन चीजों को लेके क्या क्या कौन कौन से ख्यालात है। तो जन्नत, मैंने सुना कि आप एक बार अपने अब्बू के साथ जा रहे थे, फिर आपने एक बेगर को देखा वहाँ पे, एक गरीब इंसान को, तो आपने अपने अब्बू को उस टाइम क्या बोला? मैंने बोला कि इसको पैसे दो। हाँ, आपने ऐसा क्यों बोला अब्बू को कि इसको पैसे दो? क्योंकि ये भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं। और आपने अब्बू से और एक बात कही थी कि अल्लाह मियां ने जो है गरीब लोग और अमीर लोग दोनों बनाए थे दुनिया में, क्या बात थी वो जल्द से बता दीजिए हमें? कि गरीब लोग बहुत गरीब होते हैं, उनको पैसे देने चाहिए। तो अमीर लोग किस लिए आए हैं दुनिया में, उनकी मदद करने के लिए? हाँ। तो आप अमीर लोगों से क्या बोलना चाहोगे गरीब लोगों के बारे में?
मैं उनको बोलूंगी अपने पैसों से इनका घर बनाओ, किसी को अपने घर ले जाके बनाओ, रखो, उनके अस्पताल बनाओ और बहुत सारी चीजें बनाओ, जैसे कि उनके कपड़े बनाओ, सब कुछ। जब मैं नैरावाली गई थी वहाँ बहुत कूड़ा था, तब वहाँ बहुत बदबू थी, तब मुझे उल्टी आई। आपको क्या लगा वहाँ पे जाके, कितना ज्यादा खराब किया था लोगों ने? उसको बहुत खराब था, वहाँ लोग इतने सहन थे, वो इसमें कूड़ा ही कूड़ा डालते थे। नाजरीन जन्नत बेनजीर की खूर जन्नत से हमने आपको मिला दिया, उनकी बात करा दी आपसे, उनके ख्यालात हमने जान लिए। अब बात करते हैं उनके अब्बू से, देखते हैं उनके अब्बू से जानेंगे कि उनकी बेटी जो जहनी तौर पर इतनी डेवलप है, जिनकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, वो किस वजह से हुई है। तो सर पहले आपको मुबारकबादी हो कि आपकी बेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जहीन है और नेचर को लेकर, चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी बेटी के जहन में ये सब चीज़ें आई कहाँ से? एक्चुअली मैं तकरीबन 30 साल से इस दर्द के पीछे पड़ा हूँ और मैंने सोशल मीडिया में बहुत कुछ हाईलाइट किया हूँ कि दल का मसला क्या है, कैसे हमें साफ करना पड़ेगा, क्या इश्यूज है, क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, कैसे वो बर्बाद कर रहे हैं, कौन इस पर जिम्मेदार है। तो खुद जाके सफाई करता था कभी कभी, तो जन्नत ने भी देखा बाबा ऐसा कर रहे हैं, तो हमने फिर इनिशिएटिव लिया, ये भी मेरे साथ आई, तो मैंने फिर अपलोड किया था इसका वीडियो, मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो उसके बाद में वो वायरल हुआ था, तो सारे पूरा फिर नरेंद्र मोदी जी ने उसका ट्वीट किया था, तो ऐसे ही चलता रहा। तो मैं तो रोज करता रहता हूँ, आई एम नॉट एन जी ओ, तो आई स्पेंड माई ओन मनी, मेरा जो भी खर्चा आता है, जैसे शिकारी का खर्चा हो, कुछ भी हो, मैं अपने खर्चे पे सारा कुछ करता हूँ और खुद ही दल को जाके जहाँ पे भी कुछ देखता हूँ मैं फोटो खींच के अपलोड सोशल मीडिया में डालता हूँ, तो फिर मुझे ऑफिसर लोग भी फोन करते रहते हैं कि हाँ कहाँ पे है, वो विल हेल्प, वो जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, बट जो करना चाहिए था वो नहीं है। हम क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे पास जैसे लावड़ा डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको खाली उनके पास मशीन नहीं है। आप देखिए कि एक मशीन, 3-4 मशीनें हैं टोटल डल लेक के अंदर, क्या वो पूरे डल को खराब कर सकते हैं? पूरा डल उसके लिए तकरीबन मेरे हिसाब से 20-25 मशीनें चाहिए डल को साफ करने के लिए, और एक मास्टर प्लान के तहत ये सारा होना चाहिए। मगर हम थोड़ा बहुत, मेरी बेटी को ये डल साफ नहीं कर सकती है, बट ये हमारी एक मैसेज है कि बिकॉज ये बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 14-15 किलोमीटर का एरिया है, तो मैं तो खाली एक चीज है, मैं हाईलाइट करता रहता हूँ और बेटी भी मेरा ये मैसेज देती है, भाई आप भी आ जाओ, हम भी कर रहे हैं, चलो हाँ सब मिलके करें, और सबके जहन में ये हमें डालना है कि ये डल को कैसे हमें साफ करना पड़ेगा। तो सर आपको कोई जो है मैसेज रहेगा लोकैलिटी के, जो जितने भी लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज रहेगा आपका? देखिए पहले तो शुक्रगुजार हूँ मैं SMC का, जिसने यहाँ पे डस्टबिन लगाए इस दिलवाड़ रोड के ऊपर, पहले नहीं हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती है, अभी रास्ते में फिर भी लोग कभी खाते हैं, आदत से मजबूर है तो फेंकते रहते हैं। मेरी बेटी है, उसको मैंने सिखाया है कि जो भी खाओ जेब में डालो, अगर उसके जेब को चेक अभी भी करेंगे तो उसके जेब में कुछ ना कुछ होगा, तो वो घर में डस्टबिन में डालती है। तो ये हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चे को बोलना है कि भाई आप सड़क में मत फेंको, ये सब ये हमारा घर है, जैसे अपने घर को हम साफ रखते हैं, हम डल को क्यों नहीं साफ रख सकते हैं? मगर दूसरी चीज़ है, जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उसमें UED हो गया, SMC हो गया, उन लोगों के पास बहुत सारे लॉट ऑफ ये पंप स्टेशन है, जैसे कोई भी एरिया ले लो, राजबाग ले लो, कोई भी लाल चौक ले लो, कोई भी एरिया, वहाँ पे जो भी ये सीवरेज जमा करते हैं वो लिफ्ट करके वो पानी में डालते हैं, वो होता है अनट्रीटेड वाटर, उसमें ट्रीट नहीं करते पानी को, वो अनट्रीटेड पानी इसमें डालते हैं, सीधा सीवरेज उसमें डालते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ हैं, ये सब बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने बिताए में जन्नत बेनजीर की परी जन्नत को जो हमारे साथ थी और जिनका मैसेज रहता है अपने अराउंडिंग को, अपने सराउंडिंग को साफ करना, अपने डल लाइफ को साफ करना, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, चलते समय कूड़ा करकट ना फेंके, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, डल को साफ रखने की कोशिश करें, और हमारे साथ बने रहिए ऑनली ऑन 24x7।